दर्शकों, अभी हम मौजूद है वाईएमसीए ग्राउंड में मुंबई सेंट्रल पे, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार आईपीएल क्रिकेट मैच टूर्नामेंट रखा गया है। और आप देख सकते हैं ग्राउंड में पूरा अभी मैच चालू है, और हमारे बीच उनके ऑर्गेनाइजर मौजूद है शहजाद अब्राहिमी साहब। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर, ये जो आज वाईपीएल क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट रखा गया है, ये मकसद क्या है इसका? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, वाईपीएल एक टूर्नामेंट है, ये वाईएमसी प्रीमियर लीग इसका नाम है। साउथ मुंबई के अंदर बाइकल्दा, मुंबा देवी, नागपाड़ा वगैरह जितना इलाके हैं, यहाँ के सब प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और सब प्लेयर्स को हमने अलग अलग टीम में बांट कर आईपीएल की तरह ऑप्शन करते हुए हर टीम को अलग अलग प्लेयर देते हुए टीम बनाने की कोशिश की, जिससे ब्रदरहुड, भाईचारा और स्पोर्ट्स आगे बढ़े। इसी यही हमारी कोशिश है, क्योंकि आज हमारे नौजवान जो तबका है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक ड्रग्स और वगैरह काफ़ी चीज़ों में मुब्तला है, और वो काफ़ी तरीके से ज़हनी तौर से बीमार है। तो हम लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ ला रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा बच्चा मैदान में रहेगा, जितना ज़्यादा बच्चा क्रिकेट और अगर दूसरे स्पोर्ट्स खेलेगा, उतना ही उसको नशे से दूर रहेगा, उसको मालूम पड़ेगा फिटनेस क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप से प्यार करना क्या होता है। ये छोटी सी कोशिश हमने कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। हमारे बीच साहस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब सैयद फरकान साहब मौजूद है, और इस इलाके के अजीम शख्सियत है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज टूर्नामेंट रखा गया है वाईपीएल का, इसके उनका इजहार ख्याल क्या है इस मैच को लेकर, और ये जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, उन बच्चों को ये क्या मैच के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वाईपीएल जो टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं शहजाद अब्राहिमी साहब हैं, परवेज अंसारी साहब, भोलू भाई जो हमारे दोस्त हैं, और पूरी मैनेजमेंट टीम जिन्होंने ये खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। ये टूर्नामेंट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तमाम तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट पैदा करते हैं नौजवानों में, कि वो डिसिप्लिन से लाइफ में किस तरीके से रहे, आगे किस तरीके से बढ़े, हर मोमेंट में जिसको मतलब कम्पटिट करना है या लोगों को आगे बढ़ने के लिए नुकसान मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ कोई मोमेंट भी चलाना है, अगर ड्रग्स को रोकना है तो सबसे अच्छा मोमेंट ये है कि यूथ को स्पोर्ट्स से जोड़ दीजिए। जब यूथ स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो अदर एक्टिविटी से वो ऑटोमेटिकली दूर होंगे। जब वो ग्राउंड पे होंगे, जब वो फील्ड में होंगे, जब वो बॉक्सिंग की रिंग में होंगे, जब वो बैडमिंटन खेल रहे होंगे, तमाम तरीके के स्पोर्ट्स से अगर वो जुड़ते हैं, तो स्पोर्ट्स खेलने के बाद वो अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद होंगे, अपनी एक्टिविटी को लेकर फिक्रमंद होंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्ग समाज और एक स्ट्रॉन्ग शहर बनेगा, जो कि आज हमारा मुल्क है यूथ पे ही निर्भर है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा यूथ सही जगह पे मोटिवेट होके अच्छे अच्छे मैदान में अच्छे खेल दिखाएगा, और उससे प्रेरणा लेके आगे हर फील्ड में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो एक अच्छा डिसिप्लिन वाला इंसान, एक अच्छा शहरी बनकर उभरेगा, जिसका फ़ायदा हमारे इलाके को, हमारे शहर को और हमारे मुल्क को होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया इस खूबसूरत टूर्नामेंट में। शहजाद अब्राहिमी साहब ने, हमारे दोस्त भोलू भाई जो कोकोआ चॉकलेट के ओनर हैं, और भी यहाँ पे तमाम मैनेजमेंट के लोगों का, इतना खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ आज यूथ का जो जोश देख कर लगता है कि स्पोर्ट्स से हमारा यूथ कितना प्यार करता है, इसी तरीके से हमको भी स्पोर्ट्स से प्यार करना चाहिए, और ऐसे कई टूर्नामेंट और ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिससे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू। हमारे बीच आगली पाड़ा के बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है, और इस टीम को वो बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए आई है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम महबूब पटेल है। और सर, इस टूर्नामेंट को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? बनाने की जो बहुत खुश हूँ, आपने बहुत ही मेहनत, सोहेल भाई, कोकोआ में और शहजाद अब्राहिमी ने और उनकी पूरी मैनेजमेंट की टीम ने ये टूर्नामेंट किए, और इससे यंगस्टर्स की हौसला अफजाई होती है। भाईकला के सारे यंगस्टर्स को एक आईपीएल का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर उन्होंने को शक्ल देते हुए उन्होंने ये टूर्नामेंट किया है, और इससे हमारे भाईकला के सब बच्चे अच्छे कामों में लगेंगे, अच्छे रास्तों पे लगेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है। फर्स्टली मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा शहजाद भाई अब्राहिमी एंड ऑल अदर स्पॉन्सर्स जिन्होंने इसे जो है एग्जीक्यूट किया है, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, एंड हैट्स ऑफ टू द फैक्ट, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। स्पोर्ट्स इज़ बेसिकली इंसान की लाइफ में इट्स अ डिसिप्लिन,
और आई थिंक वन शुड टेक स्पोर्ट्स एज सीरियसली एज अदर करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें प्रमोट करना बहुत बड़ी चीज़ है और साथ साथ में अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना है कि यहाँ के रेसिडेंट्स वगैरह का भी ख्याल रखते हुए स्पोर्ट्स के जो है फैसिलिटीज भी क्रिएट करते हुए जो उन्होंने यहाँ पे किया है. Hats off and congratulations and all the best for the future as well. सैफ ज्ञान सर मौजूद हैं, वो जो कि मदनपुरा एरिया के जो यूथ हैं उनके दिलों की धड़कन है, वो बहुत ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं. यहाँ पर जो भी फुटबॉल वगैरह होता है तो उसमें इनका योगदान होता है. थर्ड जनरेशन है वो फुटबॉल से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और यहाँ पे जो भी मैच वगैरह होते हैं इनके फैमिली के लोग इसमें योगदान देते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है. और आज हम इनसे जानते हैं ये जो वाईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है इसके तासुरात इनके इजहारे ख्याल इनसे हम जानने की कोशिश. भाई देखो ऐसा है ना कि हम लोग हमेशा से फुटबॉल क्रिकेट स्पोर्ट्स लवर रहे और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में इसी तरीके के इवेंट होते रहे. अभी जिस तरीके से शहजाद भाई टीम ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, इसी तरीके से फुटबॉल ऑर्गेनाइज होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो है वो स्पोर्ट्स को लेके लोग बच्चे जो आने वाली जनरेशन है वो इतने बेहतरीन बन जाए, उनका जज्बा इतना बढ़ जाए स्पोर्ट्स को लेके ताकि वो अच्छे लेवल पे खेले. मैं खुद एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मेरे दादा फुटबॉलर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉलर हैं, चाचा है इंडिया खेले उन्होंने कम से कम 11 मतलब और उसके बाद आज वो इंडिया की टीम के कोच भी है. तो इसी तरीके से हम लोग को भी एक जब बड़ों को देखा जाता है जब इस तरीके से बड़े मोहल्ले के खेलेंगे, ये टूर्नामेंट रखा गया है कि मोहल्ले के लोग खेलें और फिटनेस के लिए बड़ा जोर डाला जाता है कि हमारे जो आने वाली नस्ल है जो बच्चे हैं आज के माहौल के हिसाब से बीमारियों के हिसाब से तो बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ है कि स्पोर्ट्स से ये होना ज़रूरी है. तो हम लोग की सबकी एक यही है कि हमारे यहाँ के जो एरिया के बच्चे हैं बाजू के एरिया के बच्चे वो आके खेलें अच्छे से और फिटनेस पर ध्यान दें. हर किस्म का स्पोर्ट्स होता है, ये YMCA ग्राउंड है. मैदान में उतर कर थोड़ा पब्लिक ओपिनियन जानते हैं कि वो जो YPL टूर्नामेंट रखा गया है उनका क्या ओपिनियन है और वो उनको कैसा लग रहा है इस मैच को वो करके. और ये एक खुद खिलाड़ी है हमारे साथ, एक भाई मौजूद है, आप अपना नाम बताइए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भाई मेरा नाम मोहम्मद अहमद अंसारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 11 के मेंटर हूँ मैं. ये YPL जो हुआ है एक नया ट्रेंड आया है IPL को देख के, जिसको ऑर्गेनाइज़ करे हमारे भोलू भाई, आलम भाई, शहजाद अबरानी साहब, बहुत बहुत मेहनत करके आज ये इस मुकाम पे YPL चालू हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 टीम पार्टिसिपेट करी है इस टूर्नामेंट में और बहुत अच्छे से ये हुआ है. क्रिकेट के फाइनल तक अभी आगे देख लो, जैसे दो टीम एक टाइटन पर यूनाइटेड फाइनल में आ गई है जो अच्छा खेला और अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल में आ गए. तो YPL मैदान का YMCA ग्राउंड का सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा है मेरी नज़र. सर अभी जो YPL टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये YPL क्यों? YPL इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट विच इज इनिशिएटेड बाय शहजाद अबरानी एंड सपोर्ट बाय भोलू भाई, सुहेल और रिजवान भाई एंड मैनेजिंग कमेटी ऑफ YMCA. ये एक स्पोर्ट्स इज इक्वल टू फिटनेस लोगों के लिए, जो यंगस्टर है हमारे उनके लिए एक फिटनेस का बहुत बड़ा काम होगा उसके लिए और एक यूनिटी हमारे इसमें जो क्रिएट हुई है. और ये IPL सीजन जो मल्टीपल टीम्स के प्लेयर एक टीम में होके खेलते हैं तो एक रिलेशन पैदा होएगा उन लोगों के बीच में, तो ये आगे के लिए बहुत फ़ायदा है हमारे यंगस्टर्स के लिए. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शहजाद अबरानी साहब का और गुरु साहब का और रिजवान साहब का और मेरी पूरी मैनेजिंग कमेटी टीम का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये सीजन 2 अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा. वी विल बी एक्सपेक्टिंग मोर सीजन गोइंग. दर्शकों अभी हम लोग पिच पर उतर चुके हैं और हमारे बीच फाइनल मैच के दोनों टीम के कैप्टन मौजूद है. हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका यहाँ पर सफर कैसा रहा, अभी तक के ये दूसरा सीरीज चल रहा है. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम अशरफ है, मेरी टीम का नाम रीयूनाइटेड. ये मैच ऑक्शन से शुरू हुआ था पूरा टूर्नामेंट, इसमें काफ़ी टीम्स के प्लेयर थे जिन्हें ऑक्शन करके लिया गया, जिसमें सभी प्लेयर बहुत अच्छे थे, जिसका जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के उन्होंने वो किया और मिलके खेले. और ये टूर्नामेंट शहजाद भाई, सोहेल भोलू भाई, रिजवान भाई, आलम, ये सब के मिल के ये बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें इस ग्राउंड के प्लेयर, इस मोहल्ले के प्लेयर को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को प्रूफ करने का. और बहुत अच्छा क्रिकेट हो रहा है हमारे मोहल्ले में, बहुत अच्छा क्रिकेट है ये देख करके लग रहा है. और इंशाल्लाह ये फाइनल तक के आएँ, कोशिश ये रहेगी कि ये फाइनल जीतें.
इंशाल्लाह। ओके, हम दूसरे टीम के कैप्टन से बात करते हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफजल है, मैं टाइटंस का कैप्टन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद भाई, भोलू भाई, अपने आलम भाई, लालू भाई, ये लोग की मेहनत से ये जो है टूर्नामेंट कामयाब हुआ है और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट हुआ है जिसमें हम लोग ने मेहनत करके फाइनल में आए हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि ये फाइनल जीत के जाएं। आपको इस मैच का जो मैनेजमेंट है कैसा है, इसके बारे में कुछ? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, जितनी भी चीज़ें हुई हैं सबकी सब फेयर हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, दर्शकों हमारे बीच साउथ मुंबई के एक सोशल वर्कर सईद अंसारी साहब मौजूद है, इनके बच्चे भी अंजुमन के उसमें स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते, खेल रहे हैं अभी। हम इनसे जानते हैं कि ये जो आईपीएल टूर्नामेंट है इसमें इनके क्या तासुरात है। सर आप क्या? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट में हम डेढ़ दो महीने से इसके इसमें लगे हुए थे, टूर्नामेंट अच्छे से अच्छा हो, और ये 10 टीम का टूर्नामेंट हुआ, हम सब कमेटी में थे और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हर लोग की इसमें मेहनत है, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस मैच का जो श्रेय जाता है यहाँ की 10 टीम को जाता है जो तय दिल से मैच खेले और जो एम्पायर का और जो कमेटी का फैसला था वो 10 टीम ने माना। बहुत सी ऐसी थोड़ी बहुत तकलीफें आई हमको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलजुल कर साथ दे के इस टूर्नामेंट को कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। अभी हमने यहाँ पर यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कुछ पब्लिक ओपिनियन जाना और कैप्टन के भी, जो फाइनल के कैप्टन है उनका भी ओपिनियन जाना। तो ये मैच आज एक बहुत ही शानदार मैच रखा गया है ये वाइमसे ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक भी यहाँ पर आई है देखने इस एरिए के बहुत से मैच। निशान शेख, लंतरानी न्यूज़, लाइव मुंबई।